An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of wire carrying same current I along the same direction is shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. तो देखो तीन वायर A, B, C तीनों में से जो करंट है करंट बाहर की तरफ आ रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ वी नो दैट इफ करंट इज ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन देन देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वायर्स. तो जो वायर A एंड B है देखो तो दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा राइट. एंड ये मान लो फोर्स F1 है एज वेल एज वायर B एंड C के बीच में भी क्या होगा अट्रैक्शन ही होगा. तो देखो यहाँ पर वायर बी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर एफ वन और एक लग रहा है इधर एफ टू. दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री. एफ वन का वैल्यू कितना आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये एल फोर्स पर यूनिट लेंथ एल. तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाई टू पाई डी मतलब ये आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू पाई डी होगा. इवन एफ टू बाई एल का वैल्यू भी इतना ही होगा ना. अच्छा ये डी दिया है ना उसने तो ये डी होगा राइट. एक मिनट हाँ इस क्या आएगा ये एफ टू डिवाइडेड बाई एल. तो एफ वन बाई एल एफ टू बाई एल का वैल्यू सेम है तो ये नेट फोर्स जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ एफ वन बाई एल का स्क्वेयर प्लस एफ टू बाई एल का स्क्वेयर. एज दोनों का वैल्यू सेम है तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ टू. एफ वन बाई एल कितना है म्यू नॉट आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू पाई डी. अब ये टू टू कैंसिल होगा तो आएगा क्या म्यू नॉट आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई रूट टू पाई डी. तो म्यू नॉट आई स्क्वेयर बाई रूट टू पाई डी मतलब कहाँ पर है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन राइट.